हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दिस फाइन, वेलकम टू डॉक्टर डॉक्टर वंस अगेन। तो आज हम लाए हैं फिर से क्वेश्चन आंसर सेशन, एंड सॉरी थोड़ी डिले हो गया वीडियो में, आई वाज क्वाइट बिजी। तो आज मैं फिर से वही, मैंने भी जैसे अनाउंस किया था पिछली बार कि क्वेश्चन आंसर्स पे जो कमेंट्स आएंगे लास्ट वाले वीडियो पे, वो मैं नेक्स्ट सेशन में यानी कि आज उसके आंसर दूंगा विद नेम्स। 44 कमेंट्स आए थे, आई विल कवर ऑल ऑफ देम। और डेफिनेटली अगर आपने इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हम कहते हैं ड्रोन्स लेटेस्ट आर इन्फॉर्मेशन एंड टेक प्रोडक्ट्स विच आई यूज, आई शेयर देम माय इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में रिव्यूज एंड एवरीथिंग। सो इफ यू आर न्यू तो देन डू सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन ड्रोन्स। तो सबसे पहले, एक हफ्ते पहले का वीडियो है, तो वहां पर सबसे पहले कमेंट आया था दिदाकर चेतन जी का, मेरा मिनी टू कॉम्बो पैक बेचना है, कोई है क्या लेने वाला? नो यूज ओनली अनबॉक्सिंग, 27 नवंबर को लिया, मुंबई में लिया। सो इनका कोई क्वेश्चन नहीं है, ये पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो इनका एक मैसेज है, सो आई एम कन्वेइंग दैट ही इज वांट टू सेल इट, मिनी टू लेना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट हिम बाई कमेंट्स और कमेंट में देख लिए, यू कैन हैव इंटरेक्शन। और देन प्रशांत पटेल, सर थैंक्स, आपने मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। सर पॉसिबल है कि मिनी टू का भी रजिस्ट्रेशन करवाएं और सोल्यूशन मिल जाए? देखिए, मिनी टू का रजिस्ट्रेशन नहीं होना है, क्योंकि मिनी टू एक नैनो ड्रोन है। मैं आपको बताया था नैनो ड्रोन क्या है, जो 250 ग्राम से कम है। तो जो भी 250 ग्राम से कम ड्रोन्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना है। रजिस्ट्रेशन क्या है, यूएन नंबर मिलता है, जैसे हम गाड़ियों का कराते हैं, तो वैसे एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होनी है अभी इंडिया में, अभी हुई नहीं है। जब होगी तो मैं आपको बता दूंगा, आई एम वेटिंग फॉर दैट, एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट जो ड्रोन लवर है। तो नैनो ड्रोन्स में वो अप्लाई नहीं होती, तो नो नीड टू रजिस्टर फॉर नैनो ड्रोन, ठीक है। आशुतोष नेगी जी, काफी खास सब्सक्राइबर हमारे, भाई साहब मेरे ड्रोन के बैकवर्ड विजन सेंसर कैलिब्रेशन फेल्ड आ रहा है, बताते हैं कि स्क्रीन पे कैलिब्रेशन करने के बाद भी फेल्ड ही बताता है। नेगी जी, मैंने आपसे पूछा था कि आपका ड्रोन क्रैश तो नहीं हुआ? तो कई बार क्रैश होने से पूरी डिसलोकेशन हो जाती है सेंसर्स की लोकेशन, मतलब आगे पीछे या जब झटका लगता है, और उस केस में सॉफ्टवेयर से कैलिब्रेशन करना बहुत मुश्किल होता है। सॉफ्टवेयर की कैलिब्रेशन जो है, जो स्क्रीन पे हम करते हैं, वो तभी हेल्पफुल होती है कि हल्का सा कुछ इधर उधर हो गया, वो स्क्रीन के जो है सॉफ्टवेयर में थोड़ा इशू आ गया, वो ठीक हो जाता है। ये अब आपकी हार्डवेयर की प्रॉब्लम लग रही है, तो आप प्लीज कंफर्म करें कमेंट करके कि आपका क्रैश तो नहीं हुआ। अगर क्रैश हुआ है तो इसको खोलना पड़ेगा, और तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि इन पंगों में ना ही पड़े, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्रॉपर आपको स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे, और एक आपने ड्रोन घुलवा लिया ऊपर से फिर आपका, तो मेरा हिसाब ये है इतना पैसा आपका लग जाएगा आगे रिपेयर में, उससे अच्छा आप कोई और ड्रोन ले लें। पर्सनल है, बाकी आपकी मर्जी है। Mavic 2 Pro में प्रॉब्लम आ रही है, वेरी वेरी वी बहुत वैसे आपके लिए काफ़ी काफ़ी महंगा ड्रोन है, और आपका इस तरह से प्रॉब्लम आ गई। डिटेल बताएं क्या वो क्रैश हुआ था प्लीज़। विकास गुर्जर कह रहे हैं Mavic Air 2 प्राइस, ब्रदर अभी Mavic Air 2 काफ़ी लेटेस्ट है इस लाइनअप में, और इंडिया में अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो थोड़े बहुत हैं तो वो काफ़ी अपना मन चाहा रेट लगा रहे हैं। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा थोड़ा देर वेट करें, अब कोविड जैसे अनलॉकिंग सब हो गया है तो धीरे धीरे सब शुरू होगा, तो देन प्राइस विल कम डाउन, तो जहां पर बेस्ट पॉसिबल होगा मैं आपको बताऊंगा। व्लॉग ऑन द ऑन विद लोक जी कह रहे हैं Mavic Air 2 का अल्टीट्यूड लिमिट क्या है, क्योंकि DJI लैब से फ्लाई ऐप से ही कंट्रोल होता है। तो इसमें जो 15 मीटर ऐप का जो हवा फैला हुआ है वो सिर्फ मिनी के लिए है मिस्टर अलोक। तो Mavic Air 2 जैसे हमारे फैंटम है, काफ़ी हाई लिमिट है उनकी एटीट्यूड्स की, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और चाहे वो फ्लाई ऐप से उड़ता है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो 250 ग्राम से ऊपर आता है, दैट्स वाई इट इज़ अ माइक्रो ड्रोन, तो नो इश्यूज। सोनी ड्रोन कब लॉन्च करेगा सोनी? काफ़ी अच्छा आपका सजेशन भी है और थिंकिंग भी है मिस्टर मिनेश कुमार। सोनी कैमराज में बेताज बादशाह है, और ये भी एक तरह का ड्रोन कैमरा, फ्लाइंग कैमरा ही है, तो मैं भी चाहता हूँ कि सोनी भी कुछ ऐसा करे। डेफिनेटली वी वेट, आपको बताएंगे जब कुछ पता लगेगा। सैमी सॉल्टी,
मेरा नाम सॉल्टी है सर, लीची ऐप के बारे में कुछ बताएं, जो 15 मीटर वाली प्रॉब्लम आ रही है ड्रोन के साथ वह खत्म हो जाएगी क्या लीची ऐप डाउनलोड करने से? आई हैव मैविक मिनी लीची ऐप डाउनलोड के बाद 15 मीटर वाली प्रॉब्लम खत्म होगी, प्लीज रिप्लाई। ये जो लीची ऐप का जो फंडा है काफी लोग अपना रहे हैं बाहर जहां पर ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो पर्सनली एज ए एक्सपर्ट मैं कहूँगा, अपना मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना सजेशन मेरा यही है कि ऐसी ऐप्स को डाउनलोड करके अपने ड्रोन्स को, जैसे DJI का ड्रोन है, लीची ऐप से उड़ाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर और ऐप्स बनती हैं उनका काफ़ी आपस में कनेक्शन होता है और काफ़ी दे नो वो एक ही कंपनी से होना चाहिए। अब जो तीसरी कंपनी दूसरी कंपनी के बारे में ऐप बना के तैयार कर रही है तो उसमें एक्सीडेंट होने का, क्रैशेज होने का बहुत चांस रहता है, ठीक है। तो मैं आपसे सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपकी ख्वाहिश ज़्यादा उड़ाने की है तो डेफिनेटली आप ड्रोन बदलें, ना कि ऐप को। लुब्धाक मंडल कह रहे हैं, या वन डिटेल वीडियो सीरीज ऑन हाउ टू फ्लाई ड्रोन फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस वुड बी अमेजिंग। मिस्टर मंडल, आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड एज आई गेट टाइम एंड सम गुड स्पेस आउटर साइड आई एम प्लानिंग फॉर दैट एंड डेफिनेटली आई विल शूट अ बेसिक्स वीडियो विद ड्रोन विद आई हैव मैविक एयर, सो डेफिनेटली दिस रिक्वेस्ट विल बी टेकन ऑन सून, थैंक यू। Blazing Sand, thank you so much for answering my question. Your videos are really helpful for the drone lovers. Blazing Sand, hats off, thank you very much for the appreciation. Lucky Studio Bibani, thank you, welcome. Photography, Nature and Technology, sir, mera ek friend Saudi se aa raha hai, Saudi, okay, abroad, India, to Mavic Air 2 la sakta hai, risk kitna hoga? Very popular question and very asked question. Again, I am answering. देखिए रिस्क होता है हर एक चीज़ में, रिस्क है तो रिस्क है। बहुत अच्छी सीरीज है, आप भी जाके देखें, मैंने देखी, आई रियली लाइक 1992 स्कैम, म्यूजिक, एक्टिंग, एवरीथिंग, चलो उसको छोड़े। तो रिस्क है इसमें, रिस्क होता है, बट ऐसा है कि फॉरनर्स को ज़्यादा टारगेट किया जाता है ड्रोन के मामले में एट द एयरपोर्ट्स। ये मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग कि ड्रोन्स इक्वल टू फॉरनर्स, तो ये काफ़ी रिलेशन बैठता है जो इंडियन कस्टम्स के वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं वो देते, और ये सच भी है कि अंग्रेज़ों के पास यानी फॉरनर्स के पास ड्रोन्स होते हैं एंड उनको इतना लॉज का नहीं भी पता रहता है एंड यू नो यू गॉट माई पॉइंट, तो वो उनको टारगेट किया जाता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपके फ्रेंड इंडियन हैं, ऑफकोर्स इंडियन ही होंगे, तो पहला रिस्क फैक्टर तो यहाँ से निकल जाता है। फॉरनर से कभी ना मंगाएं, आपका कोई फॉरनर फ्रेंड है उसको आप बोलेंगे तो 100% आपका ड्रोन आपको, अगर वो लेके भी आएगा जैसे मर्जी करके, वो पूरा उनको एकदम खोल फाड़ के देख लेते हैं उनके बैग्स कि ड्रोन वो ढूंढते ही हैं। फॉरनर आया ना, इसके बाद ड्रोन होगा, उसकी एक एक पोटली खोल देते हैं वो, तो वहाँ पर वो अगर डिसमेंटल करके भी लाया होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अगर इंडियन है तो कुछ उनका शक निकल जाता है, बी कॉन्फिडेंट, 90% मैं कहूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। छोटे ड्रोन जो फोल्ड हो जाते हैं, मैविक एयर टू, मैविक मिनी, उनको लाना बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जस्ट डिसमेंटल इट, बॉक्स मत लाएं एंड यू विल गेट योर ड्रोन फॉर श्योर, एंड बी कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। देन सौरभ प्रजापति जी कह रहे हैं, DJI मैविक 2 प्रो बेस्ट है या मैविक एयर 2? देखिए दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं, एक मर्सिडीज है, एक अपनी नॉर्मल SUV है, तो जो मर्सिडीज है वो डेफिनेटली आपको अच्छा काम करके देगी, तो मैविक 2 प्रो इज बेटर। Any idea where I in Delhi can we get a drone? Rick Art Maniacs. आप दिल्ली में रहते हैं भाई साहब, आपके चांदनी चौक में दिल्ली 6 एंड देर आर मैनी कैमरा मार्केट, आपके कैमरा शॉप्स बड़ी पॉपुलर हैं आपके यहाँ, वहाँ पर दे सेल ड्रोन की सेलिंग होती है, जस्ट आपको जाके बोलना है, ओपनली कोई नहीं बताएगा कि यहाँ ड्रोन मिल रहे हैं, बिकॉज अभी ऐसा बिजनेस अभी ड्रोन का इंडिया में शुरू नहीं हुआ, तो आपको कैमरा जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं कैमराज की, वहाँ जाके कहना है मुझे ड्रोन चाहिए DJI का, दे विल गिव यू, और चांदनी चौक में भी काफ़ी डीलर्स हैं, ओके। बेंगलोर में है पैकेट PC वाला, जिनके पास मैंने 3 ड्रोन मंगवाया है, बहुत अच्छा आदमी है, टेक्निकल गोहिल जी कह रहे हैं, वेरी गुड, मंगवाया तो बहुत बढ़िया,
बट अब ऑनलाइन मंगाया ऑफलाइन मंगाया आपने कुछ बताया नहीं। प्रांजल कह रहे हैं यू कैन असेंबल बिल्ड योर ड्रोन योर सेल्फ, आई बिल्ट माइन 1 kg पेलोड 30 मिनट फ्लाइट टाइम, द लाइव वीडियो फीड इज जस्ट 480p बट यू कैन स्लैप एनी कैमरा अप टू 1 kg, इट वॉज 60,000 rupees कम्प्लीट, जस्ट गेट एन एनी गुड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टूडेंट्स हेल्प। प्रांजल थैंक यू फॉर योर सजेशन एंड असेंबलिंग, या इट इज़ वेरी नॉट सो डिफिकल्ट टू असेंबल ए ड्रोन इफ यू हैव अ गुड पार्ट्स, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट यू शुड नो हाउ टू लिंक दैम, यू शुड नो द सोल्डरिंग एंड बिकॉज दैट इज वेरी डेलीकेट थिंग, एंड नंबर थ्री यू शुड हैव गुड पार्ट्स, सो इफ यू हैव ऑल दीज थिंग डेफिनेटली यू कैन गेट अ गुड ड्रोन। थैंक यू प्रांजल। कैन आई ट्रैवल ड्रोन बाई ट्रेन प्लीज टेल मी, अरे ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रेन से बढ़िया और बस, ट्रेन और बस में कोई नहीं पूछता, गो एनी वेयर विद ड्रोन, नो प्रॉब्लम्स। अर्नब विश्वास, सर आई एम लुकिंग टू बाय मैविक A2, उसमें कुछ न्यू रेगुलेशन आएंगे क्या मैविक मिनी की तरह? मिस्टर विश्वास ऐसा कुछ नहीं होने वाला बिकॉज इट इज़ ए माइक्रो कैटेगरी ड्रोन, एंड वो जो लिमिट वाला फंडा मिनी में आया नैनो ड्रोन करके आया वो इसमें नहीं आएगा। रतीश नायर, मिस्टर नायर would like to know from you about NPNT compliance of DGCA, okay, for RPS drones as per Civil Aviation Section 3, Part 1. NPNT compliance means no permission, no takeoff, simple. So, according to Indian drone regulation, the latest one, the thing is, they have designed a law according to which every drone which will be flying in the India, whether it is commercial or it is industrial, it has to follow these NPNT regulation, means no permission, no takeoff. So they have designed in a way that they will release an app which you will download, drone flyer will download, and from that app he will ask for the permission, and for that also your drone should have that compatibility. So the thing is, you will take the permission on the spot, and if DGCA grants you permission for that area where you want to fly the drone, then only your drone will take off. If DGCA don't permit you to fly drone in that area, then you cannot fly drone, your drone will not take off from that, in that area. So this is NPNT compliance drone. And the Indian manufacturers are making such drones, but still they are all industrial. There is no commercial drone at present, but soon we'll get them. And as far as DJI is concerned, there is no agreement till now. So Ratish Nayak पूछ रहे हैं कि NPNT क्या है, मैंने आपको बताया कि वो एक app release होगी, अभी नहीं हुई है, जब होगी I'll let you know. तो उसमें आपको परमिशन लेनी है, और अगर वो परमिशन देगा DGCA तो तभी आपका टेक ऑफ करेगा ड्रोन, नहीं तो नहीं करेगा। बट अभी ये नहीं, कमर्शियल ड्रोन्स में ये सब कुछ हो रहा है जो इंडियन मैन्युफैक्चरर वाले हैं, और जो कंज्यूमर ड्रोन्स है जैसे हमें चाहिए वो अभी इंडियन मार्केट में नहीं आए, इंडियन मतलब इंडस्ट्री में नहीं बन रहे हैं, तो सून विल सी दैट। होप इट इज क्लियर मिस्टर नायर। मोहम्मद जावेद, सर मैविक मिनी को 15 मीटर से ऊपर कैसे उड़ाएं? अभी अगर आपने ऐप को अपडेट नहीं किया है तब तो उड़ जाएगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। सर माय क्वेश्चन इज बेस्ट एंड एनडी फिल्टर DGA2। मिस्टर आशीष डीजे, देखिए एनडी फिल्टर्स आर 2-3 हज़ार से लेके 20,000 तक भी हैं, सो इट ऑल डिपेंड्स योर ऑन योर बजट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप तो जितना अच्छे ब्रांड का जाएंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा, बट मैं पर्सनली आपसे ये कहूँगा अगर आप प्रोफेशनली यू आर शूटिंग समथिंग ओनली देन बाय दीज थिंग्स, अदरवाइज आपका मनी वेस्ट होगा, क्योंकि अगर आपने कैजुअली यू आर ए यूट्यूबर और कैंपिंग कर रहे हैं और आपने ड्रोन फुटेज लेनी है, नोबडी केयर्स अबाउट एनडी फिल्टर्स, उनको एक शॉट चाहिए, ऊपर से सीनरी बहुत अच्छी आ रही है, दैट्स इट। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि ड्रोन फ्लाने उड़ाने का जो टाइम है ना वो आप अच्छा सेलेक्ट करें, एक या सुबह सुबह ड्रोन उड़ाएं जब सूरज उग रहा होता है, तो एंटी फिल्टर सुबह सुबह जब आप उड़ाएं तब एंटी फिल्टर की जरूरत नहीं, जब सूरज उग रहा होता है। और दूसरा अच्छा बेस्ट टाइम है 4-5 बजे जब सूरज छिप रहा होता है, इन दोनों टाइम में लाइटिंग बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत अच्छा फुटेज आता है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे एंटी फिल्टर्स की लोड ही नहीं है।
राहुल शर्मा, थैंक यू सर मेरे कमेंट पर बात करने के लिए। अगेन आपका कमेंट मैंने लिया है, जो मैं वादा करता हूँ पूरा करता हूँ। आपका ये पूरा वीडियो देखा पहले तो मुझे लगा कि मेरा शायद ही नाम आए, पर आखिरी से पहले मेरा कमेंट लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बड़ा कमेंट है। एक बात और कहूँगा सर, एक सर कमेंट था कि जब नियम बनाए हैं तो उन्हें जो फॉलो ना करे तब तो कोई कार्रवाई हो, जबकि जो ऐसा रहा कि सब नियम कागज में हैं, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं, बस वही रूढ़िवादी सरकारी काम का लेती है। ओके, करने का यूज़ पहले नियम इतने आ जाते हैं कि, और सर जी क्लास ड्रोन की इस तरह की लेसन वाइज कंट्रोलर के ऊपर जैसे स्मार्ट कंट्रोलर एक्सेट्रा, मुझे जो लगा वो बताया है सर, बाकी आपसे ज़्यादा नहीं जानते। थैंक यू सर, मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल सही जानकारी देते हैं आप, मेरी आपकी वीडियो जब भी मौका होता है देखता हूँ। थैंक यू मिस्टर शर्मा जी, आपके जो कमेंट है मेरे को समझ आ गया। राहुल जी कह रहे हैं कि जैसे मैं भी कहता हूँ कि रूल्स बना के रख दिए हैं, कागजों में पड़े हैं, उसको अप्लाई नहीं किया जा रहा, और अगर अप्लाई कर भी रहा है तो उसका कुछ ऐसा नहीं है। ड्रोन उड़ रहे हैं, अभी भी उड़ रहे हैं, जिन्होंने उड़ाना है शादी में उड़ा रहे हैं, तो एक ढंग से नहीं चल रहा। ही इज़ वेरी राइट, आप बहुत सही हैं। बाकी थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन, मैं ऐसे जो जो इन्फॉर्मेशन होती है सही इन्फॉर्मेशन आई ट्राई टू ब्रिंग एंड आई शेयर। थैंक यू दादा का चेकन चेतन जी का फिर आया है। मैंने मिनी एक बेचकर मैंने DGSEA पे रजिस्टर किया, अभी मैंने मिनी टू लिया था, वो रजिस्टर करना है, पर मिनी वन का डिलीट या कैसे उसको उधर से हटाना है, क्योंकि अभी वो मेरे पास नहीं है, क्या करूं? चेतन ये बेसिकली रजिस्टर नहीं है, आपने एनलिस्ट करवाया होगा, तो एनलिस्ट कराने से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहाँ से डिलीट करवाना है या कुछ। द थिंग इज जो आपने ड्रोन लिया है तो वो आपके नाम पर अभी एनलिस्ट हुआ होगा कि मेरे पास ये ड्रोन है, राइट? आप जिसको आपने बेचा है, राइट, जिसको आपने बेचा है, वो जब एनालिस्ट करवाएगा तो ऑटोमेटिकली वो डाटा आपके ड्रोन का सामने आएगा, तो ऑटोमेटिकली उनको पता लग जाएगा। तो एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि हमने आपको नाम डिलीट करवाना है या ट्रांसफ़र, ऐसा भी कोई रेगुलेशन नहीं आया है फिलहाल, तो अगर होगा तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। मिस्टर नेक्स्ट इज व्यास वाल्मिक, हेलो गुड मॉर्निंग, आई हैव गॉट गुड नॉलेज अबाउट द ड्रोन फ्रॉम योर वीडियो, थैंक यू। If I purchase drone from abroad, how to carry it to India, how to tackle Indian custom if it is nano? So I have talked about this, you have to dismantle and be confident, no problems. Sir, can we import DJI Phantom? No import is allowed, please. Which drone is best under 30,000 for personal photography? Under 30,000 for personal photography, what level of photography you want to do? It depends on that. Agar aap chahte hain ki kaafi achhi aapki photography aaye, then in 30,000 you won't get any good drone. Because 30,000 में इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, यू हैव टू लिफ्ट लिटल बिट अप, देन यू विल गेट मिनी टू और स्पार्क, दे विल गिव यू गुड क्वालिटी इन दैट बजट लाइन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज आनंद स्टूडियो, सर ABG अकेडमी में ड्रोन पायलट्स के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एक वीडियो बनाए सर। ओके, आई विल मेक द वीडियोज ऑन दैट। सो ये था आज का क्वेश्चन आंसर सेशन, तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है, और अब थोड़े एक दो हफ्ते बाद, दो तीन हफ्तों बाद करेंगे, और अब ये जो वीडियो आ रहा है इसके अंडर आपने कमेंट्स करने हैं, और जो मेरे मोबाइल वाले दोस्त हैं उनके भी मैं टिप्स लेता हूँ, वो भी इस पर कमेंट कर सकते हैं अगर आप देख रहे हैं तो। और सून अलग और वीडियोज़ आएंगे, बने रहे वीडियो चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।